जय श्री नारायण। यज्ञ का दूसरा वीडियो आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। ये मुख्य सड़क ही है जिसका पहले वीडियो आपने हमने दिखाया था आपको। ये मुख्य सड़क से आता हुआ रास्ता जो यज्ञ मंडल को पहुंचता है, देख पा रहे हैं आप। ये सड़क के दोनों ओर कैंप लगाए गए हैं, टेंटेज लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालु भक्तगण यहाँ आराम कर सके, बैठ सके। ये वॉचिंग टावर जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, जिससे सुरक्षाकर्मी नजर रख सके। यहाँ ये विहंगम दृश्य यज्ञ मंडप का, कुल 1008 यज्ञ मंडप बनाए गए हैं जैसा देख पा रहे हैं। ये प्रवचन पंडाल जहाँ मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, तोरण द्वार सैकड़ों की संख्या में यज्ञ मंडप एवं पूरे आरा शहर में मौजूद हैं। ये देख पा रहे हैं मेटल डिटेक्टर आप, ये और प्रवचन का मुख्य पंडाल जहाँ एक साथ 10 लाख श्रद्धालु बैठ सकते हैं। हम धीरे धीरे आपको मंच की तरफ ले चलेंगे जहाँ पे भारत के प्रमुख संत एवं प्रवचनकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह का किसी श्रद्धालु का तबीयत खराब हो ताकि उसको हॉस्पिटल ले जाया जा सके। धार्मिक पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है यहाँ पे। मेटल डिटेक्टर देख पा रहे हैं आप, पुलिसकर्मी मौजूद है। फिर से बताना चाहूँगा आपको, सुबह का समय है, पुलिसकर्मी आराम कर रहे हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है अभी इस टाइम। अगले वीडियो में हम आपको अकल्पनीय भीड़ एवं जल यात्रा का दर्शन कराएंगे, जरूर आनंद लेंगे आप उस वीडियो का। जो भक्तगण एवं श्रद्धालु दूर दूर से आए हुए हैं, वो चूंकि अभी फिर से सुबह का समय है, अभी श्रद्धालुगण यहाँ पे आराम कर रहे हैं, जहाँ अभी कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। हम आपको इसलिए सुबह में ये वीडियो बना रहे हैं, पुलिसकर्मी कैमरे को देखते हुए हरकत में आते हुए। कुर्सी चारपाई सब चीज़ों की यहाँ व्यवस्था की गई है। अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, नहीं तो ये मुख्य मंच देख पा रहे हैं आप। मुख्य मंच यहाँ दोपहर के टाइम में पहुँचना मुश्किल है, यहाँ पैर रखना भी मुश्किल है दोपहर के समय में। अगले वीडियो में आप देख पाएंगे, लेकिन ये वीडियो हम अभी इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि हम सब चीज़ों को सुविधापूर्वक आपको दिखा सकें। ये दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु है जो यहाँ पे रह रहे हैं, लंगर चल रहा है, उस लंगर का भी वीडियो हम आप आगे दिखाएंगे। ये मुख्य मंच अद्भुत जहाँ पे स्वामी जी और मन प्रवचनकर्ता विराजमान होंगे। सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आप संस्कार टीवी चैनल पर दिनांक 26/9/17 से 5/10/17 तक जो भी कार्यक्रम चलेंगे उसका संध्या 3 बजे से 6:30 बजे तक, जी संध्या 3 बजे से 6:30 बजे तक आप संस्कार चैनल पे देख सकते हैं। धन्यवाद।